बीबीसी न्यूज़, यदि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ न्यूज़ के कटआउट्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीबीसी न्यूज़ का मानना यह है कि क्रिश्चियन पर्सिक्यूशन इज एट नियर जेनोसाइड लेवल्स। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, जब जाति वध आप करते, विशेष जाति को लेकर के उन्हें आप पूर्णतः खत्म करना चाहते हैं। इस प्रकार से मसीहों को मारा जा रहा है, उनके विरुद्ध एक ऐसा प्रोजेक्ट या एक ऐसी योजना चलाई जा रही है कि बड़े सिस्टमैटिक ढंग से क्रिश्चियंस को पर्सिक्यूट किया जा रहा है, उन पर आक्रमण किया जा रहा है, उनके विरुद्ध में योजनाएं बनाई जा रही, षड्यंत्र बनाया जा रहा है, चर्चेस को डिमोलिश किया जा रहा है और कई स्थानों पर पासवानों पर आक्रमण किया जा रहा है, उन्हें अपाहिज बनाया जा रहा है, उन पर जानलेवा हमला किया जा रहा है और उन्हें मार दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि एक जो रिपोर्ट बिशप ऑफ ट्रूरो द राइट रेवरेंड फिलिप के द्वारा बताया गया था कि पर्सिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज एट नियर जेनोसाइड लेवल। वो भी यही मानते हैं कि कई देश दुनिया के भागों में मसीहों को मानो नरसंहार किया जा रहा है, जाति वध किया जा रहा है, उन्हें पूर्णतः खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 1 in 3 पीपल सफर फ्रॉम रिलीजियस पर्सिक्यूशन, मतलब 3 में से 1 धार्मिक सताव से होकर जाते हैं। हो सकता है कि आप बड़े ही आरामदायक स्थिति में अपने घर में बैठे होंगे और मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप पे इस वीडियो को, इन शिक्षाओं को सुन रहे होंगे, लेकिन इसी समय जब आप आराम या मैं आराम से यहाँ बैठा हूँ, कई स्थानों में हमारे मसीह भाई बहनों को सताव का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें मार काट, हिंसा और मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। क्रिश्चियंस वर द मोस्ट पर्सिक्यूटेड रिलीजियस ग्रुप, मतलब मसीही सभी धर्म समूहों में सबसे ज्यादा सताव का सामना करने वाले लोग हैं। द इंटरम रिपोर्ट सेड दैट द मेन इंपैक्ट ऑफ जेनोसाइडल एक्ट्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस इज एक्सोडस एंड दैट क्रिश्चियनिटी फेस्ड बीइंग वाइप्ड आउट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट। जो मिडिल ईस्ट का भाग है यहाँ का, ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो क्रिश्चियंस है, मसीह है, मानो पूर्णतः साफ होने कगार पर आ गए थे, मतलब उन्हें पूर्णतः खत्म करने की कोशिश की गई। और भी कई रिपोर्ट्स हैं, कई खबरें हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन के दिए हुए एड्रेसेस पे जाकर के आप इनके बारे में अपनी पर्सनल स्टडी कर सकते हैं। जैसे लिखा है, पर्सिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियन कमिंग क्लोज टू जेनोसाइड इन द मिडिल ईस्ट, अ न्यू रैंकिंग ऑफ नेशंस वेयर क्रिश्चियंस आर पर्सिक्यूटेड मोस्ट। कई ऐसे देश हैं, 50 देशों का नाम यहाँ पर दिया गया जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस को सताया जाता है। Recognizing the phenomenon of the persecution of Christian globally, विश्व स्तर पर मसीहों कितना सताया जा रहा है, इसका भी एक शोध यहाँ पे किया गया है। The real war on Christmas, global Christian persecution, Christians are being persecuted around the globe, पूरे दुनिया भर में मसीह विश्वासियों को सताया जा रहा है। Over 1,000 incident of Christian persecution In India since 2014, मतलब वर्ष 2014 के बाद से लगभग 1,000 ऐसे घटनाएं हुई हैं जिसमें मसीहों को सताया गया, जो रिपोर्टेड है, मतलब जिसका विषय में FIR या फिर केस पुलिस में किया गया है, लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जो मीडिया तक, पुलिस तक पहुंच भी नहीं पाए। तो 1,000 पहुंचे हैं, इसका मतलब 9,000 ऐसे होंगे जो अब तक उन तक नहीं पहुंचे, लेकिन उसके वीडियोस और उसकी फोटो समय दर समय व्हाट्सएप के द्वारा आप तक पहुंचता होगा कि कैसे विश्वासियों को, पासवानों को, सेवकों को, सुसमाचार प्रचारकों को अलग अलग स्थान में मारा कूटा जा रहा है, उनके विरुद्ध ये षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। इलेवन प्लेसेस वेयर पर्सिक्यूटेड क्रिश्चियंस नीड आवर प्रेयर्स।
Christian persecution in India is very troubling, Franklin Graham says, but backs Trump friendship with Modi. Franklin Graham का कहना है कि भारत में सताव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. New ranking of nations where Christians are persecuted most. यहाँ पे सभी देशों का नाम एक के बाद एक दिया हुआ है, किस देश में कितना क्रिश्चियंस को टॉर्चर किया जाता है, सताया जाता है. इसमें कई देशों के नाम हैं. आप इस वीडियो को रोक करके हर एक कंट्री के बारे में पढ़ सकते हैं. मिडिल ईस्ट का नाम है, कई ऐसे कंट्रीज का नाम है. मैं कुछ यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं किसे विश्वासियों को इन देशों में सताया जा रहा है. उनके विरुद्ध मानो एक पूरी सिस्टमैटिक योजना, सुव्यवस्थित योजना बनाई गई है कि उनकी सेवा कार्य को रोका जाए. ज्यादा पुरानी बात नहीं, हाल की बात मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो पासवान जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, उन्हें बहुत बुरी तरीके से मसीही विरोधियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया. अभी पिछले महीने की खबर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पास की एक प्रभु के दास को, सेवक को, अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ करके वापस आ रहे थे और 10 मसीही विरोधियों के द्वारा बाइक में वो आए और उन पर आक्रमण किए, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, लोहे के रॉड से उनकी पसलियां तोड़ दी, उनके सिर पर गहरे चोट आए, उनके ऊपर से उन्होंने बाइक के द्वारा उन्हें रौंदना चाहा और अधमरा करके वो बिना छोड़कर चले गए. 2 साल पहले की बात बताऊं, एक दूसरे प्रांत में हुआ, हमारे मसीह विश्वासी को जो प्रभु की सेवा भी करते थे, सामाजिक कार्य भी करते थे, उनका गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई. ऐसे में कई घटनाएं आपको दे सकते हो. जब मैं स्टडी कर रहा था उस टाइम पे मेरे खुद के एक सीनियर प्रभु के वचन के प्रचार के लिए किस स्थान में गए थे, उन्हें मार करके कुएं में डाल दिया गया. तो कई ऐसी घटनाएं, सैकड़ों, यदि आप पर्सिक्यूशन रिलीफ के पेज को फॉलो करते हैं तो कई रिपोर्ट वो भी ऐसे देते रहते हैं, बताते रहते हैं कहां पर किस स्थान में किस प्रभु के दास को प्रताड़ित किया गया, मारा गया, और किस प्रकार से हमारे देश के अधिकारी इसके प्रति असंवेदनशीलता को दिखाते हैं. मसीह सताओ मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए चिन्ह के अनुसार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. तो जो डेथ, जो मृत्यु हम देख रहे हैं विश्वासियों का, यह भी एक चिन्ह है कि अंत का दिन बहुत निकट है. यह एक वास्तविकता है. अब तक हो सकता है आपके साथ ये ना हुआ हो, लेकिन वो समय दूर नहीं जब हम सभी विश्वासियों के लिए अपने विश्वास को कायम रखना बहुत मुश्किल होने वाला है. हमारे सामने अलग अलग लेवल्स पे विरोध आने वाले हैं, सताव आने वाले हैं, हमें उसके लिए तैयार रहना है. लेकिन यह चिन्ह यहां पर पूरा होता है. समय का अभाव है, बहुत ही जल्दी हम अगले चिन्ह की ओर बढ़ते हैं. डिसलॉयलिटी, कि अंत के दिनों में कैसे लोग एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से घृणा करेंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे. और ये बात बहुत आम तौर पे हम देख सकते हैं. प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने जो अगला चिन्ह हमें दिया है कि कैसे बहुत से लोगों का कहना चाहिए कि एक जो प्रेम है या आपस में उनका बैर भाव है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कि लोग कैसे आपस में विश्वासी एक दूसरे के शत्रु, एक दूसरे के बैरी हो जाएंगे. और ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे और मसीह प्रेम का प्रदर्शन ना करते हुए घृणा और बैर भाव का प्रदर्शन करेंगे. और ये कितना आम रूप से आज आप हमारे बीच में देख सकते हैं, कैसे एक संस्था के लोग दूसरे संस्था के लोगों से लड़ाइयां करते हैं, युद्ध करते हैं. सब मसीही हैं, सब विश्वासी हैं, सब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर, सैद्धांतिक डॉक्ट्रिनल इश्यूज को लेकर के इतना ज्यादा उनके अंदर फूट पाया जाता है कि वो एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं, अपना विरोधी समझते हैं. उनके अंदर कोई प्रेम, कोई अपनापन दूसरे मसीही भाई बहनों के लिए नहीं है. उनके अंदर इतना ज्यादा घृणा पाया जाता है एक दूसरे के लिए जैसे मानो अन्य जाति से भी कोई बदतर हो. और ये बात आप हर एक, चाहे आप अपने पेंटिकोस्टल सर्कल की बात करें, जितने
अलग अलग डिनोमिनेशंस पाए जाते हैं या मेन स्ट्रीम चर्चेस की बात करें, कितने अलग अलग डिनो, वो सब एक दूसरे के साथ मानो ऐसा ही व्यवहार करते हैं। और पद को पाने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एक ऊंचे पद पर आने के लिए, और दूसरे पर आक्रमण भी, मतलब इतने बुरी बुरी बातें आपको सुनने को मिलेगी जो आज क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस में चल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो चिन्ह दिया कि डिसलॉयलिटी, बेईमानी, धोखेबाजी, दगाबाजी, घृणा, एक दूसरे के प्रति जलन, बैर भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और यह चिन्ह भी निश्चित रूप से आपने अपने चारों ओर देखा होगा। यह पूरा होता है हमारे समय, मेरे प्रियो, हमारी कलीसियाओं में, हमारे स्थानों में ये बातें हम देख सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीह प्रेम को बनाकर रखे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीह ही उस भाईचारे को बनाकर रखे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी मसीहत को बदनाम करते हैं, पैसे के लिए, पद के लिए, अपने उस स्टेटस को बनाए रखने के लिए वे मसीहत को बेच रहे हैं। ये हमारे बीच में ऐसे लोग हैं। तो यह भी जो चिन्ह यीशु मसीह ने दिया निश्चित रूप से पूरा होता है, हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अंत के बारे में जो चिन्ह दिया है वो निश्चित रूप से एक वास्तविकता है। अब इसे इस बात को यहीं रखते हुए, क्योंकि ये बहुत आम तौर पे आप देख सकते हैं, बहुत ही शीघ्रतापूर्वक अगले बिंदु में जाना चाहेंगे। और अगली बात आप देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मत्ती 24 के 11 में आप देख सकते हैं कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। तो अगला बिंदु जो मेरा है, डिल्यूजन या भ्रम या एक माया या एक झूठा मसीहत का चित्र हमारे सामने रखा जाएगा। हमने अब तक डिसेप्शन देखा, डिसेंशन देखा, डिवास्टेशन देखा, डिजीज देखा, डिजास्टर देखा, डेथ देखा, डिसलॉयलिटी देखा। अब डिल्यूजन में हम आते हैं, भ्रमित मसीहत या मसीहत का भ्रम जो झूठे भविष्यवक्ता आज हमारे सामने रख रहे हैं। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा विषय है, इस पे अगर मैं 3 घंटे लेकर के बातें बोलूं तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि आज ये मसीहत के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से इसकी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहले ही कर दिया गया था, लेकिन आज ये बातें बहुत ही ज्यादा हमारे बीच में देखी जा सकती है कि कैसे झूठे भविष्यद्वक्ता हमारे विश्वासियों को, मसीहों को धोखा दे रहे हैं और झूठी बातों के द्वारा उन्हें परमेश्वर से वे दूर कर रहे हैं। आप देखेंगे स्क्रीन पे मैंने कुछ गूगल सर्च आपको दिखाया है कि अगर आप गूगल में सर्च करें झूठे भविष्यवक्ता या फॉल्स टीचर्स, आप देख सकते हैं कैसे कैसे लोगों का नाम आ रहा है, कितने वीडियोस, कितने टीचिंग्स इनके विरुद्ध में बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे बीच में बहुत से झूठे शिक्षक हैं, बहुत से फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं जिनकी भविष्यवाणी, जिनकी शिक्षाएं मसीहत के प्रचार के लिए नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए, महिमा के लिए नहीं है, परंतु उनके पेट के पालन के लिए है, उनके पॉकेट के भरपूरी के लिए है कि अपना जेब हम कैसे भरे, हम कैसे अपने फायदे के लिए झूठी शिक्षा लोगों को दे, हम कैसे अपनी कलीसिया में लोगों की गिनती बढ़ाने के लिए उनके कानों की खुजली के अनुसार उन्हें प्रचार हम सुनाए। फॉल्स टीचर का एक बड़ा श्रेणी आपको दिखाई दे सकता है, और आप कैसे जानेंगे कोई फॉल्स टीचर या प्रीचर है, जब आप ये देखें कि उनकी कही हुई बातें बाइबल में नहीं पाई जाती, उनके द्वारा बताई हुई बातें कलीसिया के लिए बाइबल में नहीं दिखाई जाती, और दूसरी बात, वे केवल पैसे के लिए प्रचार और शिक्षाएं देते हैं, उनकी जीवन शैली पैसे पर केंद्रित है, उनके प्रचार पैसों को मांगने के लिए किए जाते हैं, हर एक संदेश में उनका लक्ष्य अंत में यही होता है कि लोगों से आर्थिक सहयोग वे ले लें। यह पहचान है झूठे भविष्यवक्ताओं की, झूठे शिक्षकों की। कई ऐसे चित्र आपको देख सकते हैं, ये सब मेरा नहीं है, मैं ये सारे ऑनलाइन गूगल से आपको दिखा रहा हूं, जहां पर अलग अलग प्रकार के झूठे शिक्षकों के बारे में लोगों ने वीडियोस और शिक्षाएं दी और उनकी गलत शिक्षाओं को उन्होंने उजागर किया है।
गलत को गलत बोलना गलत नहीं है, यह किसी की आलोचना नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत है और उसके बारे में आप वीडियोस आर्टिकल्स बनाते हैं लिखते हैं तो आप गलत नहीं कर रहे हैं, परंतु औरों को ऐसे लोगों से आप सतर्क कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि जो भोले विश्वासी नए विश्वासी हैं वो इस प्रकार से इनके जाल में ना फंसे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को आप यहीं रोक करके इन सारे नामों को जो आपको मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे जो चल रहा है आप पर्सनल उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल क्या है, ये सीड ऑफरिंग क्या है, ये अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं क्या है जो लोग आजकल प्रचार कर रहे हैं और लोगों की जेबें खाली करके अपने बंगले और अपने जेट प्लेन्स, अपने एयरप्लेन्स और अपने विलासितापूर्ण जीवन को वो जी रहे हैं। तो बहुत से मसीह के सच्चे सेवक प्रचारक हैं जो बड़ी खराई और गंभीरता के साथ सेवा करते हैं। कुछ एक ऐसे प्रचारक और झूठे शिक्षक हैं जो संपन्नता का प्रचार करते हुए झूठी शिक्षाओं को देते हुए पूरी मसीहत को बदनाम कर रहे हैं, पूरे मसीह प्रचारकों को वो बदनाम कर रहे हैं। ये कुछ एक लोग ही हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसे उठ खड़े होंगे जो चुने हुओं को भी भटका लेंगे और बहुतेरों को अपने पीछे कर लेंगे। मतलब ये जो झूठे शिक्षक हैं, प्रचारक हैं, उनको मानने वाली भीड़ बहुत बड़ी होगी क्योंकि बहुतेरे उनके पीछे हो लेंगे, ऐसा यीशु ने खुद कहा। तो बड़ी बड़ी भीड़ होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो सच्चे शिक्षक हैं या परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। बड़ी बड़ी भीड़ होना इस बात का प्रमाण नहीं है। बड़ी बड़ी भीड़ ऐसे विश्वासियों का झुंड हो सकता है जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं, जो चमत्कार के पीछे भागते हैं, चिन्ह के पीछे भागते हैं और परमेश्वर से उन्हें प्रेम नहीं। वो अपनी चंगाई छुटकारे के लिए किसी बाबा के पास भी जा सकते हैं, किसी पासवान के पास भी जा सकते हैं। उन्हें सच्ची मसीहत, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और एक वास्तविक सुसमाचार से कोई लेना देना नहीं है। आप देख पाएंगे स्क्रीन पे कितने सारे ऐसे वीडियोस और पोस्ट्स बनाए गए हैं जो इन्हें झूठे प्रचारकों को उजागर करते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर के, बहुत से हमारे भारतीय ऐसे अगुवे भी हैं, प्रचारक भी हैं जो इन झूठे भविष्यवक्ताओं का पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। हाल में ही एक बहुत बड़े, केवल उस एक नाम को मैं लेकर के समाप्त करना चाहूंगा, लगभग 3-4 महीने पहले की बात मैं कर रहा हूं, आप जाकर के उनके वीडियो को YouTube पे भी देख सकते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हमारे समय की एक प्रचारक है, संपन्नता का प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी जो प्रचार करते थे और इस प्रकार से चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए पैसों को लोगों से लेते थे। उन्होंने पश्चाताप किया, हो सकता है परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बातें की होगी। पास्टर बेनहिन का नाम आपने सुना होगा, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध एक व्यक्तित्व है हमारे समय में। 4 महीने पहले वो स्क्रीन पर आए और उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं कि इतने सालों तक मैंने झूठी शिक्षा दी, मैंने गलत शिक्षा दी, मैंने बाइबल से बाहर की बातें बताई और मैंने लोगों को ठगा और मैं इससे पश्चाताप करता हूं, आप सबसे माफी मांगता हूं, पवित्र आत्मा से माफी मांगता हूं और मैं इसके बाद ऐसा नहीं करूंगा। वो पैसे लेकर के लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, उनके लिए चंगाई करते थे, मांग करके, ये नहीं कि स्वेच्छा से आपको चंगाई मिली है, आपने कुछ सहयोग किसी पासवान को दिया, परंतु मुंह खोल करके वो बोलते थे आप इतना $1,000 दे दो, आपके लिए हम इतनी प्रार्थना करेंगे, आपको इतनी चंगाइयां मिलेंगी। तो दान देना, दक्षिणा देना, इस प्रकार सहयोग देना, उसके विरुद्ध मैं नहीं हूं, लेकिन मुंह खोल के लोगों को बोलना आप इतने पैसे दोगे तो इतनी आशीष आपको मिलेगी, इतने पैसे आप दोगे इतनी चंगाई आपको मिलेगी, इतना आप दोगे इतना गुना आपको वापस मिलेगा, ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉलिसी है जो आजकल के प्रचारक बोलते हैं, आप 10 रुपए दो आपको 1,000 रुपए मिलेगा, ये सारी जो झूठी शिक्षाएं हैं, संपन्नता का प्रचार है, ये पास्टर बेनहिन भी करते थे और उन्होंने, प्रभु का धन्यवाद हो, समय रहते मृत्यु को प्राप्त करने के पहले उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु ने आशीष दी। लेकिन वो एक नमूने हैं, ऐसे आपको मैं सैकड़ों बता सकता हूं और आप खुद देख सकते हैं यदि आप अवेयर हैं तो।
तो मैं चाहूंगा आप इस बात को समझ लें और सतर्क हो जाएं इन झूठे भविष्यवक्ताओं से। उनका चिन्ह चमत्कार इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से हैं। बड़ी भीड़ जो उनके पीछे चल रही है वह भी इस बात का प्रमाण नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह ने यह चिन्ह दिया कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता शिक्षक उठ खड़े होंगे और चुने हुओं को भी वो भरमा करके पीछे कर देंगे। तो ये चिन्ह निश्चित रूप से हमारे समय में पूरा होता है। हम अपने आंखों से इन लोगों को देख रहे हैं। आइए बड़ी शीघ्रता से अगले चिन्ह की ओर हम बढ़े, क्योंकि इन विषयों के बारे में कितने भी घंटे हम बात करें कम ही पड़ जाएगा। इसलिए जब हम अभी मुख्य बातों को देख रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा करके अंतिम दो बात चिन्ह और दे करके समाप्त करना चाहेंगे। तो डिल्यूजन या भ्रम, झूठे भविष्यवक्ताओं के भ्रम से लेकर के अगली बात में जो कि नौवीं बात है हम जाएंगे, डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24 उसके 12 में कि बहुत से लोग परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और आपस में भी एक दूसरे से वे दूर हो जाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, मत्ती 24 का 12। अब ये जो नौवा चिन्ह है यह भी एक वास्तविकता है मेरे प्रियो, कि बहुत से लोगों का प्रेम ना केवल परमेश्वर के लिए लेकिन आपस में एक दूसरों के लिए ठंडा होता जा रहा है। बहुत से लोग जो एक समय प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, उसके पीछे चलते थे, आज वो प्रभु से दूर हो रहे हैं। और अगर स्क्रीन में आप देख रहे हैं आपको मालूम चलेगा कि कई कलीसियाएं कई स्थानों पर बंद हो रही है। बहुत से मसीही लोग मसीहत को छोड़ रहे हैं और नास्तिक बन रहे हैं। यूरोप में बहुत सी कलीसियाएं बंद हो रही है, अमेरिका में बहुत सी कलीसियाएं बंद हो रही है। बहुत से मेन लाइन चर्चेस के जो क्रिश्चियंस हैं, मसीह हैं, वो मसीहत को छोड़ करके पीछे हट रहे हैं, वो नामधारी मसीह बन रहे हैं। अगर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, बहुत से मैंने ऐसे स्क्रीन पे वीडियोस और आर्टिकल्स डाले हैं जो इस बात का प्रमाण करते हैं कैसे यूएस चर्च मेंबरशिप डाउन शार्पली इन पास्ट 2 decades, मतलब पिछले 2 दशकों में जो चर्च की सदस्यता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। स्वीडिश चर्चेस, डजन्स ऑफ स्वीडिश चर्चेस आर क्लोज डाउन अमिड रैपिड मेंबरशिप डिक्लाइन। स्वीडन में या यूरोपियन कंट्रीज में कई कलीसियाएं बंद हो गई क्योंकि उनकी सदस्यता कम होती जा रही है।